आपका हेल्थ विंग जो क्रिएट हुआ था, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और अब तक कैसा चल रहा है वो बताने के लिए आए हैं। आपका हेल्थ विंग अक्टूबर 15 लास्ट ईयर, दैट वाज बिशप ऑर्डिनेशन डे, उस समय हमारा एक छोटा सा बूट बना था, मेडिकल बूट, मे आई हेल्प यू ऐसे बोलते। तो उसमें हमारा डॉक्टर हागे तमसर, डॉक्टर रीना रोनिया, डॉक्टर ताकम सख्तर एंड मायसेल्फ, हम लोगों ने एक छोटा रजिस्ट्रेशन शुरू किया। वहाँ पे बहुत जन आए थे, मोर देन 13,000, वी ऑल नो, बहुत सारे आए थे। तो वहाँ पे 8 पेशेंट हमने देखा, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग एक्चुअली, बट देन वहीं पे हमारा छोटा सा गैदरिंग में, वही छोटे से बूथ में एक रजिस्टर हमने रखा कि हमारा कैथलिक कम्युनिटी से कोई भी डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, सिस्टर्स जो भी है वो लोग आए और हम लोग रजिस्टर करके एक दूसरा को पहचाने, उसी से छोटा से शुरुआत हमारा। देन हमारा आई कैंप हुआ आनिनी में 25th October, अराउंड 300 पेशेंट्स बेनिफिटेड फ्रॉम द आई कैंप। वो आई कैंप में जितने मरीज हमें कैथरिक ऑपरेशन का मिला, सबको हम आपका का एम्बुलेंस में लेके सबको हम लोग रोइंग लेके आए, फिर रोइंग में ऑपरेशन हुआ। एंड दे वर वेरी वेरी हैप्पी कि आनिनी दूर दराज का इलाका में ऐसे कभी सुना ही नहीं, ऐसे कभी कैंप ही नहीं हुआ, तो उनका वो खुशी देख के हम लोग और मजबूत हो गए कि सिर्फ आई कैन क्यू और भी ज़्यादा करना चाहिए। फिर हम लोग गए सीओमी ये साल जनवरी में, तातो में, मेचुका में, मणिगांव में हम लोग गए। वहाँ पे तातो में मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ कैंप रहा, जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर, गायनी, मेडिसिन, पीडियाट्रिक, सर्जरी और थो, सब को मिला के सब कैथलिक डॉक्टर्स और इवन सिस्टर नर्स, जो इंजान क्रिकेन बॉडी हॉस्पिटल हमारा कैथलिक हॉस्पिटल है वहाँ से आए, और हम लोग लगभग 600 से ज़्यादा मरीज को ट्रीटमेंट दे पाए। उसी तरह जैसे मणिगांव में, मेचुका में जो भी आई के पेशेंट थे उनको हम लोग फिर लेके आए, हम लोग अलोंग में ऑपरेशन करें, और आप लोग सब ने वीडियो देखा है, बहुत खुश हुए हैं। मणिगांव से किसी को अलोंग इवन तातो तक आने के लिए उन लोग को 5 घंटा लगता है, फिर तातो से अलोंग जाने के लिए उन लोग को बहुत सोचना पड़ता है, लेकिन हम लोग जाके वहाँ से बूढ़ा बूढ़ी जिनको दिखता नहीं है उनको लेके आए, जिनको ट्रीटमेंट चाहिए वहीं पे ट्रीटमेंट दिए, और जिनको ऑपरेशन का ज़रूरत हुआ वहाँ करे। फिर नेक्स्ट हम लोग जोलोंग में बिलो पॉवर्टी लाइन जो हमारे भाई बहन हैं डॉन बॉस्को के साथ हम लोग कोलैबोरेशन करें, और जुलंग में हम लोग उन लोग को अराउंड 400 पेशेंट्स हम लोग देखे और वहाँ पे भी हेल्प कर पाए। एंड वेरी रिसेंटली जस्ट अभी 12-13 को हम लोग लॉन्गडिंग में गए, हमारे मियो डायसिस के भाई बहन लोग, हमें लगा कि आप लोग को ये नहीं लगना है कि हम लोग बस ईटानगर बेस्ड आपका है, ऐसा नहीं लगना चाहिए, तो इसलिए हम लोग सोचे कि एक बार हम ईटानगर डायसिस करें, फिर नेक्स्ट टाइम वी आर प्लानिंग कि मियो डायसिस में करें बोल के। तो वी आर प्लानिंग कि मियो डायसिस में हम लोग करेंगे, एक्चुअली हम लोग चांगलांग के लिए सोच रहे थे, लेकिन बिशप स्वामी हमारा पी के जॉर्ज जो बहुत अच्छे से अपने एरिया को बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्होंने बोला आप लोग देखिए जहाँ पे एक्चुअली नीडेड है, जहाँ पे एक्चुअली आउटरीच चाहिए, जहाँ बिल्कुल उनको मरीज को कुछ नहीं मिलता वहाँ जाइए बोल के। तो ऐसे करके हमारा आपका का डोमिनिक सर भी यहाँ पे हैं, उन लोगों ने ढूंढा कि लॉन्गडिंग में, वहाँ पे भी लॉन्गडिंग में भी सबसे तकलीफ जगह जहाँ पे नहीं पहुँचता है वहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो उन्होंने हमें चानू और लमसंग 2 दिन ये बार रखा
क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा कि एक दिन में पूरा मरीज को हम लोग ट्रीट नहीं कर पाते हैं, तो ये बार हमने दो दिन रखा चानू और लोंगसंग में, 12th और 13th को हमने किया है, और ऑलमोस्ट 850 ऑलमोस्ट 900 पेशेंट्स हमने देखा है। ये सब क्यों मुमकिन था? एक आदमी के कारण से नहीं होता, बस हमारा आपका हेल्थ विंग के वजह से सिर्फ नहीं हो पाया है, इट्स ए कोलैबोरेशन। और एक कैंप कंडक्ट करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होता है, एंड सबसे ज़्यादा तो आपका दिल चाहिए होता है कि करना है, हमें कुछ करना है। तो आई थैंक आवर लॉन्डिंग टीम ऑल्सो, आपका जो हमारा पेरेंट बॉडी है, उन्होंने हमें बहुत बहुत सहायता दिया है। वहाँ जाके लॉन्डिंग में जब देखे इतना सारा पेशेंट, इतना सारा बच्चे, विटामिन ए डेफिशिएंसी, माल नोरिशमेंट इतना सारा है, आप लोग को देख के आप लोग को ही दुख लगेगा, आप लोग ही उल्टा ट्रीटमेंट करने मन हो जाएगा, उतना है। तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीड है हमारे यहाँ पे, तो ये बल्कि बस एक आदमी से नहीं हो पाएगा। एंड ये जो हम लोग को दिखाता है, ये कैंप जो सक्सेसफुल हुआ, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है हमारा आपका का यूनिटी। अरुणाचल प्रदेश कैथलिक एसोसिएशन उसका हर एक मेंबर का यूनिटी को दिखाता है। तो उसी तरह हम लोग बस चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि जीसू आपको प्यार करते हैं, और जीसू का प्यार जो हमारे दिल में है उसी प्यार को हम लोग बांटना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। और इसी से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग तरफ से कुछ नहीं दे पाएंगे, बस सर्विस दे सकते हैं। हमारा आपका हेल्थ विंग एक प्रॉपर हमारा विंग है, जिसमें डॉक्टर रीना रोनिया जो DMO पापुपारा है, प्रेसिडेंट है, मायसेल्फ मैं सेक्रेटरी हूँ, डॉक्टर तक्रम सत्तर ये इसका फाइनेंस सेक्रेटरी। तो हमारे आपका में बहुत सारे लोग अभी धीरे धीरे ज्वाइन करे रहे हैं, और धीरे धीरे वी एक्सपेक्ट कि और ये बढ़ेगा। सिमिलरली आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक आपका एग्जीक्यूटिव मेंबर एंड आवर बिशप स्वामी टू गिव अस दिस प्लेटफॉर्म। बहुत लोगों को बहुत चीज करने का मन करता है पर वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो आई पर्सनली फील प्रिविलेज, आई फील प्रिविलेज, आप लोगों को भी लगता होगा कि इवन आपका का एक मेंबर बनना भी बहुत बड़ा प्रिविलेज है। एक्चुअली आप लोग यहाँ पे आके एक दूसरा को मिल पाए, एक दूसरे को बात कर पाए, क्यों? बिकॉज वी आर आपका का मेंबर, बिकॉज जिसको हम लोग को यूनाइट करता है, उसी के कारण हम लोग कहाँ लॉन्गडिंग से आए हैं, तेजू से आए हैं, इतने दूर दराज का इलाका से हम लोग यहाँ एक साथ मिल बांट के बैठने को मिला है, क्यों? बिकॉज आपका इज फॉर ऑल। बहुत लोगों को पता नहीं होगा, हम जस्ट एक छोटा बताना चाहते हैं कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में एक कैथलिक हॉस्पिटल है, क्रिक एंड बॉडी हॉस्पिटल, जो इंजान में है, और 26 हेल्थ केयर सेंटर है, जिसमें हमारा सिस्टर नर्स लोग, फादर लोग, जो डॉक्टर है वो फ्री ऑफ सर्विस, कोई सैलरी नहीं लेके सेवा कर रहा है। हमारा कैथलिक सिर्फ कैथलिक को सेवा नहीं कर रहा है, हर एक मार्जिनलाइज्ड आदमियों को सेवा कर रहा है। ये आप लोगों को बहुत लोगों को पता नहीं होगा, एक एक डॉक्टर का सैलरी बहुत ज़्यादा होता है ना, लेकिन हमारे सिस्टर नन लोग, स्पेशली क्रिक एंड बोरी से सिस्टर रोस्टम, सिस्टर बेटी, वो लोग इतने बुजुर्ग हैं, 60 ईयर्स 70 ईयर्स, वो लोग सर्विस ऑलरेडी दे चुका है और ऐसे ही सर्विस देते जा रहे हैं। तो उन लोगों को देख के हम लोग का यंगस्टर लोग, जितना भी तकलीफ होने से भी उन लोग का इंकरेजमेंट को देख के हम लोग और करना चाहते हैं। सभी को पता है आपका का अभी लीगल विंग भी है, और भी धीरे धीरे और विंग बढ़ते जाएगा। आई जस्ट वॉन्ट टू टेक टाइम टू इनकरेज, there is something called
ओपस डे, किसी को पता है ओपस डे के बारे में? ओपस डे मीन्स गॉड्स वर्क, तो भगवान सेंटिफाइंग वर्क ऑफ गॉड। तो ये एक हमारा दिनों एक वो है जिसमें अपना डेली ऑर्डिनरी वर्क उससे आप सेंटिफाई होते हैं। तो हर किसी को डॉक्टर होने का जरूरत नहीं है, हर कोई इंजीनियर नहीं हो सकता है, हर कोई टीचर नहीं हो सकता है, लेकिन आपका हर एक छोटा काम, हर एक ऑर्डिनरी काम। अभी सुबह ही हमारा मैडम था काबाकियानो मैडम, जो माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हैं, हमारा ताजिक अब्राहम सोरम माउंट एवरेस्ट चढ़ चुका है, हमको चढ़ो बोलने से तो हम बिल्कुल नहीं सकेगा, राइट। तो हर कोई का अलग अलग काम होता है, स्पेशली हमारे जो यूथ है, यूथ को हम बताना चाहेंगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड ओपस डे, और वो ऑर्डिनरी वर्क। हमारे घर में आप झाड़ू भी मार रहा है तो, लेकिन वो भगवान के नाम पे अगर मार रहे, आप कोई सर्विस भी दे रहा है तो वो भगवान के नाम पे, जीसु का नाम पे, ऑल ग्लोरी बी टू गॉड बोल के आप लोग अगर करेंगे तो उसी काम से आपका सेंटिफिकेशन होगा। हर कोई सेंट बनना चाहते हैं तो कैसे बने? अपना काम को बेस्ट करके उसी हिसाब से हम बढ़ना, आगे बढ़ना चाहिए हमें। बहुत लोग हम लोग को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, पर बहुत को पता है कि एक छोटा सा कैंप करने के लिए बहुत एक दो दिन का कैंप होता है, लेकिन आपका शुरू हो जाता है एक महीना से ही प्रिपरेशन शुरू हो जाता है। तो वो सब समय आप लोगों ने हमारा बहुत बहुत साथ दिया। अभी तो एकदम पीक है, बारिश का सीजन का पीक है, राइट। लेकिन वो दो दिन कैसे बारिश नहीं हुआ है हम लोग को भी पता नहीं है, ये सब आप लोग का ही प्रार्थना का वजह से है, और सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। सिमिलरली हम लोग और भी बहुत सारा काम करना चाहते हैं, बहुत लोग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, बहुत लोग बोलते हैं मेरे डिस्ट्रिक्ट आओ, सेप्पा से किसी ने बोला, तिराप से किसी ने बोला, चांगलांग से कोई बोलता है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि एटलीस्ट साल में तीन बार हम लोग करेंगे बोल के। लेकिन इसमें बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज का इन्वॉल्वमेंट होता है, डॉक्टर्स का एक साथ एक ही समय में 10-11 डॉक्टर को छुट्टी मिलना भी तकलीफ होता है, फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए, और डॉक्टर्स का सिर्फ डॉक्टर लोग करेगा बोल के भी नहीं है, जैसे आपके लोडिंग में सर ने सब चीज़ मैनेज किया तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है वहाँ जाके कुछ भी काम करने के लिए। तो सिमिलरली स्पेशली यूथ को मैं बोलना चाहूँगी, ओपस डे को याद रखना, सेंटिफाइंग वर्क। अगर आप गाते भी हैं तो ऑल ग्लोरी बी टू गॉड, आप नाचते भी हैं ऑल ग्लोरी बी टू गॉड, आप सर्विस भी देते हैं तो ऑल ग्लोरी बी टू गॉड, और हम लोग को कॉन्ग्रेचुलेट करता है, बहुत अच्छा लगता है। पर इसी में ये गायब भी नहीं होना है कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, हम लोग ये ओनली जीसू का ग्लोरी के लिए कर रहे हैं।